हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जांगीर और आज हम बात करेंगे एलोपेशिया इरेटा के बारे में। एलोपेशिया इरेटा काफ़ी कॉमन कंडीशन होती है हेयर लॉस की। जो मोस्ट कॉमनली क्या होता है कि आपके पैची हेयर लॉस होता है, कॉन्सेप्ट हेयर लॉस होता है, जो कि आपके हेयर के हेयरी किसी जो एरिया है उसके ऊपर होने के चांसेस है। ओब्वियसली मोस्ट कॉमनली आपके स्कैल्प पे होता है और कभी कभी ये बियर्ड पे हो सकता है। सिंगल लीजन हो सकते हैं, मल्टीपल लीजन हो सकते हैं, और हाँ, इसमें कोई इचिंग वगैरह बर्निंग नहीं होती है। कभी कभार ये जो डिजीज़ होती है वो ज़्यादा हो सकती है और किसी एक जोन को वो कह सकते हैं कि आपका कवर कर सकती है। जैसे अगर आपके स्कल्प के एरिया को अगर हाफ़ या हाफ से ज़्यादा आपका स्कल्प का एरिया कवर कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं एलोपेशिया सब टोटेलिस। अगर आपके कंप्लीट आपके स्कल्प के एरिया को अगर आपका हेयर लॉस हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं एलोपेशिया टोटेलिस। और कभी कभी आपके हेयर है ना, वो पूरे बॉडी के भी हेयर जा सकता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। कहने मतलब है कि एक ही डिजीज़ है जिसके अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से इनके नाम है। अगर कॉजेज की बात करें कि क्या कॉज हो सकता है इस एलोपेशिया इरेटा का, तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि इसको कीड़े लगने की वजह से होता है या फिर और कुछ एप्लीकेशन से होता है, जबकि ऐसा नहीं है। बेसिकली एलोपेशिया इरेटा एक तरह का एक ऑटोइम्यून कंडीशन होता है, और ऑटोइम्यून कंडीशन का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसी सेल्स होती है जो कि बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट काम करती है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पर यही सेल्स हमारे हेयर फॉलिकल सेल्स को कह सकते हैं कि टारगेट करती है, उनको डिस्ट्रॉय करती है। अच्छी बात इसमें ये होती है कि ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं करती है, तो उसके ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, और अगर हम बात करें कुछ एप्लीकेशंस या फिर कुछ मसाज करने से या फिर और कुछ लगाने से ये डिजीज़ बढ़ती है या घटती है, बिल्कुल नहीं है। इसका फूड से भी कोई रिलेशन नहीं है। ये काफ़ी बड़ा मिथ है कि किस चीज़ के खाने पीने से आपका एलोपेशिया इरेटा होता है। ओके, और हाँ, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके ट्रीटमेंट है वो डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं। ओके, और ट्रीटमेंट से पहले आपके डॉक्टर कुछ इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक स्किन बायोप्सी का एक टेस्ट हो सकता है यह देखने के लिए कि वास्तव में आपका एलोपेशिया इरेटा है या नहीं है। सेकंड, कुछ अदर इन्वेस्टिगेशंस भी हो सकते हैं ब्लड के, जो कि डिजीज़ की सीवीटी को देखने के लिए हो सकता है, या फिर कुछ लिंक्स होते हैं दूसरे, ये देखने के लिए हो सकता है कि कोई दूसरा कंडीशन तो नहीं है। जैसे कि थायराइड काफ़ी कॉमनली इसके साथ एसोसिएटेड होता है, दूसरी जो ऑटोइम्यून कंडीशंस होती है वो भी इसके साथ में एसोसिएटेड होती है। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट्स की, तो अगर आपके एक या दो पेचेज हैं, सिंपल पेचेज हैं, ज़्यादा डिजीज़ एक्टिव नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर आपका टॉपिकल मेडिकेशंस कुछ क्रीम्स ही आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव रहेगी, और कभी कभार डॉक्टर अर्ली स्टेज के अंदर कुछ इंट्रालिजनल इंजेक्शन भी दे सकते हैं। ओके, सेकेंड, अगर आपका डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, रिकरेंट हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर आपके डॉक्टर हैं कुछ ओरल मेडिकेशंस दे सकते हैं आपके लिए। और ओरल मेडिकेशंस बेसिकली अपनी इम्यूनिटी को एक सप्रेस करते हैं, बैलेंसली सप्रेस करते हैं। ओके, जो कि हमारे डिजीज़ को कम करने में हेल्प करेंगे। इसमें अच्छी बात ये होती है कि डिजीज़ काफ़ी अच्छे से ट्रीट हो सकती है, होती है, और रिस्पॉन्स रेट काफ़ी अच्छा होता है इसका। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि रिकरेंट होने का चांसेस रहता है। ओके, तो इसमें दो बातें निकल के आती है कि पहला आपको एक ट्रीटमेंट कंप्लीट लेना चाहिए, ओके, ताकि आपका डिजीज़ है वो अच्छे स्टेज तक आपका कैसे सप्रेस हो जाए। सेकेंड है कि आपका ट्रीटमेंट आपको पूरा लेना चाहिए। अगर बार बार आपको होता है तो आप सेल्फ मेडिकेशंस मत लीजिए। ओके, बिकॉज हर एक जो मेडिसिन होती है उसका अपना एक इफेक्ट होता है, तो साइड इफेक्ट भी होता है, तो हमेशा जो मेडिसिन है वो सुपरविजन में लीजिए डॉक्टर के। राइट, तो ये था एलोपेशिया इरेटा के बारे में। थैंक यू।